मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए संजय कुमार स्वामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप मेरे साथ सीख रहे हैं Adobe After Effects। After Effects के आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पेज को मोड़ सकते हैं, पेज फटते हुए दिखा सकते हैं After Effects के अंदर, और साथ ही फोटो ब्लेंड किस तरह से कर सकते हैं, वीडियो ब्लेंड किस तरह से कर सकते हैं। तो ये कई सारे जो स्टार्टिंग के अंदर आपने एग्जाम्पल देखे वो सभी के सभी एग्जाम्पल इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। After Effects के अंदर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैंने एक नया कंपोजिशन लिया है उसका नाम मैंने दिया है मैन। ये मैंने यहाँ पर कंपोजिशन लिया है। मेरे पास में एक यहाँ पर फुटेज है जिसकी 1920x1080 पिक्सल, ये इसकी साइज है। देखिए तो ये यहाँ पर कागज का पैटर्न है और यहाँ पर मैन फुटेज मैंने यहाँ पर लिया है। और इसकी कंपोजिशन की जो जो मैन कंपोजिशन है उसकी सेटिंग यहाँ पर इस तरह से है कि 1080 हाइट और विड्थ 1920 है और 24 फ्रेम। इसके बैकग्राउंड कलर मैंने एक बार ये ग्रे कलर लिया। ओके, और यहाँ पर रिजोल्यूशन हम क्वार्टर रख देते हैं। रिजोल्यूशन बाद में मैं बताऊंगा आपको, एडजस्ट कर सकते हैं, फिर हम ओके कर देंगे। तो ये रिजोल्यूशन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ हमें शो करने के लिए कि क्वार्टर रिजोल्यूशन एक बार हम देख रहे हैं, आउटपुट के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमें यहाँ पर जल्दी रेंडर के लिए, तो मैं यहाँ पर क्वार्टर या थर्ड रख देता हूँ। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो कागज का पैटर्न है ये मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ कंपोजिशन के ऊपर। कंट्रोल एफ के साथ में, कंट्रोल अल्ट के साथ में एफ दबाएंगे तो ये पूरे कंपोजिशन के अंदर कुछ इस तरह से आ जाएगा। स्केल ये पूरा 100% है अभी, क्योंकि इस कागज की साइज मैंने 1080x1920 फोटोशॉप के अंदर सेट करने के बाद में यहाँ पर लेके आया हूँ, और कंपोजिशन की साइज भी सेम है। ये जो साइज है 1080x1920 आप जो देख रहे हैं, यही साइज इस कंपोजिशन की साइज है। ठीक है, ये काम आएगी बाद में, आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं किसी फोटो या फुटेज से, तो वो बाद में हम देखेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब इसका क्या कर देते हैं, यहाँ पर सोर्स नेम आ रहा है, क्लिक करेंगे तो लेयर नेम, तो सोर्स नेम को हटा करके मैं लेयर नेम कर देता हूँ और यहाँ पर लेयर नाम मैं दे देता हूँ एक बार मैन पेपर इस तरह से। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इस पेपर को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और पेन टूल से आप कहीं से भी इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और कुछ इस तरह से मास्क बना रहे हैं हम, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से, जैसे कागज फटते हुए होता है कुछ उसी तरह से हम कर देंगे। यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से मैं वापस इस तरह से यहाँ पर ले लिया, तो कुछ इस तरह से हमने बना दिया है। अब क्या करेंगे, इस मैन पेपर को, ये जो मैन है इसको इसको MM दबाते हैं जिससे मास्क जो हमने अभी बनाया वो दिखाई देगा, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनवर्टेड मास्क कर देते हैं तो ऊपर और नीचे इस तरह से पेपर दिखने लग जाएगा। मास्क हमने यहाँ पर इनवर्टेड कर दिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक इफेक्ट हम लेकर के आएंगे, इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर राइट साइड के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे। आप अगर ये पैनल नहीं दिखाई दे रहा तो विंडो के अंदर जा करके और आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स। ये रहा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रफ एज, रफ एज लिखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर लेके आके छोड़ देंगे। रफ एज के अंदर मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ रफ एन, और उसके बाद में यहाँ पर रफ एन कलर मैं ले रहा हूँ रफ एन कलर, और इसका कलर मैं यहाँ पर कर देता हूँ व्हाइट कलर कर देंगे। बॉर्डर जो इसका है वो 50 में कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में एज शार्पनेस 1 रखेंगे, ये सब 1 1 रखेंगे, स्केल 1 रखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो पेपर आपने लिया है कंपोजिशन लिया है उसकी साइज के हिसाब से इसको आप कम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इतना सब एडजस्टमेंट मैं यहाँ पर कर दूंगा। इसके बाद में क्या करूंगा, इसी के ऊपर एक और मैं लेयर मेन्यू के अंदर जाऊंगा और लेयर स्टाइल ऐड करूंगा ड्रॉप शेडो, तो जिससे क्या होगा नीचे की साइड में यहाँ पर इस तरह से शेडो आपको नजर आ रही है। यहाँ पर जाइए इफेक्ट्स के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर नहीं, लेयर स्टाइल के अंदर ड्रॉप शेडो के अंदर जाइए और शेडो को डिस्टेंस साइज में यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। इसके आप डिस्टेंस वगैरह थोड़ी ज़्यादा कम यहाँ पर कर सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, ये एक लेयर हमने तैयार कर दिया, अब क्या करेंगे, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, इसका डुप्लीकेट लेयर तैयार कर रहा हूँ और इसी के अंदर जाएंगे, मास्क के अंदर जाएंगे और इनोटेड है उसको मैं ऐसे हटा दूंगा, तो ये ऊपर वाला पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। नीचे वालों को एक बार हाइड कर देते हैं इस पेपर को, नीचे वाले को, और ऊपर वाले को नाम दे देते हैं यहाँ पर कट पेपर टॉप, इस तरह से मैंने दे दिया। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर जो लेयर स्टाइल है वो डिलीट कर देते हैं और इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जो हमने इफेक्ट दे रखा है रफ एज का, इसके अंदर रफ एन कलर की बजाय सिर्फ रफ एन देंगे, कलर हम नहीं देंगे और बाकी जो ऑप्शंस है वो सेम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब नीचे वाले को और इसको दोनों को शो कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके मास्क के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मास्क एक्स से इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि ये बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा जो पाथ है यहाँ पर इससे थोड़ी बाहर की साइड में एक्सपेंड हो जाएगा, जहाँ ये जो बीच बीच में खाली जगह हमें दिख रही है उसको थोड़ा सा भर देना है, तो करीब मैं 40 यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए मास्क एक्सप्रेशन ये मैंने 40 कर दिया, पेपर एक जैसा हो गया वापस। अब जो ऊपर वाला है पेपर, जो कट पेपर टॉप, ये जो लेयर है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से एक प्रॉपर्टी लेके आएंगे, सी सी पेज ट्रन, ये प्रॉपर्टी लेके आएंगे और इसके ऊपर यहाँ पर छोड़ देंगे। जैसे छोड़ेंगे यहाँ पर देखिए ये पेज टर्न करने की इस तरह से प्रॉपर्टी आ गई है। इस सीसी पेज टर्न के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर जो बैक पेज है उसको एक बार मैं नन कर देता हूँ, बाद में लेके आएंगे इसको, नन कर देते हैं तो देखिए ये पेज कुछ इस तरह से चलेगा। यहाँ पर ये जो टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड दिखाई देगा, तो पेपर कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग्स जो है वो रिड्यूस है, इसको जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर फोल्ड का जो रिड्यूस आएगा यहाँ पर फुल आएगा इस तरह से, तो इसको इतना मैं बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर -260 के आसपास कर देता हूँ, हमें यहाँ पर थोड़ा इस तरह से ब्लैक ब्लैक पार्ट चाहिए, तो ये जैसे जैसे आएगा इस तरह से मोड करके यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर वाला है लेयर इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएंगे और इसका नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ शेडो, ये शेडो होगी। और इस लेयर को बाकी दोनों को यहाँ पर शो नहीं करेंगे, सिर्फ इसको एक बार सोलो लेयर बना देता हूँ, सिर्फ ये दिखाई देना चाहिए। अब इस लेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा मैं ह्यू एंड सेचुरेशन, इसको लेके आएंगे इसी लेयर के ऊपर और यहाँ पर इसको कर देंगे ब्लैक, ये हो गया ब्लैक। और यहां से मैं ब्लर लेके आ रहा हूँ गिशन ब्लर, ये आ गया यहाँ से गिशन ब्लर लेके आ गए गिशन ब्लर। अब क्या करेंगे, गिशन ब्लर थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये ब्लर हो गया। अब यहाँ से सोलो लेयर को ऑफ कर देते हैं, यानी सोलो मतलब ये सिर्फ एक ही लेयर यही दिखाई देता है, दूसरे वाले दिखाई नहीं देते हैं, तो वापस ऑफ कर देंगे, सभी लेयर दिखाई देंगे। शेडो को इसके नीचे ले आते हैं, मेन पेपर के नीचे एकदम नीचे ले आते हैं शेडो को। अब शेडो वाले लेयर को सिलेक्ट करूंगा और जो कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट राइट एरो है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एरो है, उनसे लेफ्ट राइट वाला एरो दबा रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा इस साइड में हो जाएगा, जिससे यहाँ पर शेडो नजर आएगी। ओके, तो अब किस तरह से आएगा देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लेके आ रहे हैं तो शेडो उस एक ही जगह पर है, तो कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में टेल्डा बटन दबा रहा हूँ और साथ में अकेला टिल्डा भी दबा रहे हैं, टिल्ड बटन है ये इस तरह का। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मास्क को शो नहीं करेंगे, रफ एंड एज को भी नहीं करेंगे, सीसी पेज टर्न और इसके अंदर भी सीसी पेज टर्न प्रॉपर्टी, जो कट पेपर टॉप वाला लेयर है और जो शेडो वाला लेयर है दोनों के अंदर सीसी पेज टर्न, इनके अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रोल फोल्ड पोजिशन इनको है ना यहाँ पर अल्ट दबाने के बाद मैं इन दोनों के ऊपर इस तरह से क्लिक करूंगा, तो इससे क्या होगा, अल्ट दबा करके क्लिक करेंगे जिससे क्या होगा, यहाँ पर एक्सप्रेशंस ऑन हो जाएंगे और साथ ही अल्ट दबाते हुए इन दोनों को भी फोल्ड रिड्यूस लाइट डायरेक्शन को भी, सेम कंट्रोल और फोल्ड रिड्यूस लाइट डायरेक्शन इनको भी यहाँ पर हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, ये एक्सपेंड कर दिया। अब जो कंट्रोल है उसको उसका पिक व्ही को पकड़ेंगे और उस कंट्रोल से मिला देंगे जो यहाँ पर कट पेपर टॉप जो लेयर है उसके कंट्रोल से, और इसके पोजीशन वाले पिक विक को यहाँ से पकड़ेंगे और फोल्ड पोजीशन के ऊपर यहाँ पर लाके छोड़ देंगे
और फोल्ड रिड्यूस है, इसका भी पिक भी पकड़ेंगे और यहाँ पर फोल्ड रिड्यूस पर लाके छोड़ देंगे। लाइट डायरेक्शन को भी पकड़ेंगे और लाइट डायरेक्शन के इसके ऊपर लाके छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पर जो जो लेयर, जिससे क्या होगा यहाँ पर ऊपर वाला लेयर जिधर भी जाएगा साथ साथ में वैसे वैसे शेडो वाला भी जाएगा। ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे, सीसी पेस्टन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे जैसे आप इधर उधर लेंगे वो शेडो उसी तरह से आपको दिखाई देगी। देखिए तो कुछ इस तरह से आपने अभी तक बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, पेपर का जो ये बैक साइड है इसके ऊपर भी इफेक्ट देंगे पेपर का ही यहाँ पर। तो कैसे देंगे, देखिए ये जो यहाँ पर सीसी पेस्टन है इसके अंदर जो बैक पेपर हमने अभी तक नहीं दिया है उसको देंगे। एक तो यहाँ से आप कलर दे सकते हैं इस तरह से, पेपरट्रन जो होगा उसका कलर इस तरह से यहाँ पर आप दे सकते हैं। देखिए लेकिन हमें पेपर ही देना है, बैकग्राउंड के अंदर पेपर ही देना है। कैसे देंगे, उसके लिए जो ऊपर वाला लेयर है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ बैक, बैक पेपर इस तरह से मैंने नाम लिख दिया। अब इसको एकदम नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है, और यहां से मैं क्या करूंगा, ये जो 1920 इंटू 1080 लिखा हुआ जो हमारे पास पेपर है ये ले आएंगे और सबसे नीचे यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे। एक तरीका तो डायरेक्ट ही है कि आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहां से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट बैक पेपर ये चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप मास्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है क्योंकि वहां पर हमें बाद में चेंजेस भी करना है, फोटो भी दूसरी लेके आनी होगी, तो वो सब हम करेंगे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैक पेपर और ये दो लेयर हम लेके आ गए। अब नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अल्फा मैट बैक पेपर के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी दबाइए और लेयर का नाम दे दीजिए बैक पेपर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, कट पेपर टॉप इसके अंदर जाइए और यहाँ पर बैक पेपर जो अभी अभी लास्ट वाला जो आपको कंपोजिशन दिख रहा है प्री कंपोज, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये। अब बैक पेपर के अंदर जाइए और यहाँ पर क्या कीजिए, इसके अंदर जो हमने सीसी पेस्टन दिया है इस इफेक्ट को यहाँ से डिसेबल कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, और ये जो यहाँ पर पेपर है इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ह्यू सेचुरेशन सेलेक्ट करूंगा और इसको थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर देंगे, यहाँ पर पेपर को इतना सा हम डार्क कर देंगे और वापस मेन के अंदर आ जाएंगे। तो अब देखिए जब ये प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर पेस्ट रन करेंगे तो ये बैक पेपर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर पेस्ट रन करने का इफेक्ट दे दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एनिमेट करेंगे। एनिमेट करना आसान है, इस पॉइंट को यहाँ पर रख देते हैं, फोल्ड पोजीशन चेंज होती है इस पॉइंट को इधर उधर लेके जाने से, तो यहाँ से इस फोल्ड पोजीशन जो स्टॉप वॉच है वो ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव है और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यू दबाएंगे, जैसे यू दबाऊंगा तो फोल्ड पोजीशन है ये आ गई, इसका ये की फ्रेम हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे, यहाँ पर बना देंगे ये की फ्रेम एक स्टार्टिंग के अंदर बन गया। और उसके बाद में करीब 4 सेकेंड तक हम जाएंगे, उसके बाद में पकड़ेंगे इसको और यहाँ छोड़ देंगे। अब जैसे ही आप इसको प्ले करेंगे तो ये पेपर कुछ इस तरह से यहाँ पर जाएगा, अब जैसे ही आप प्ले करेंगे तो पेपर कुछ इस तरह से यहाँ पर बाहर निकलते जाएगा। तो एक तो ये हमने यहाँ पर बना लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर अगर आपको कोई फोटो वगैरह देनी है, अब देखिए एक चीज और बताऊं, जो बाहर की साइड में आपको यहाँ पर पेपर नजर आ रहा है उसको कैसे हटा सकते हैं, सभी को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी दबाएंगे और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पेपर फोल्ड कॉम्प, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो ये पूरा पूरा जो कंपोजिशन मैंने बनाया, अब इसके एस दबाएंगे, स्केल प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, इसको थोड़ा सा स्केल कर देंगे बस, जिससे क्या होगा अब पता ही नहीं चलेगा वो बाहर की साइड में चला गया और पेपर की कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर अगर कोई आप टेक्स्ट लेयर भी लेके आना चाहते हैं दिखा सकते हैं, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ संजय कुमार स्वामी, इसे मैंने टेक्स्ट लिखा, सेंटर में ले आते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट लेयर को यहाँ पर ले आते हैं सेंटर में और थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और इस लेयर को शेडो के नीचे ले आऊंगा यहाँ पर, और उसके बाद में
जैसे जैसे ये पेपर उल्टेगा तो यहाँ पर नीचे वाला टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप लेके आ सकते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर दे देते हैं थोड़ी सी ड्रॉप शेडो, तो अब ये ज्यादा अच्छा लगेगा, इस तरह से मुड़ के आएगा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई लोगो भी आप लेके आ सकते हैं, कैमरे से भी आप इफेक्ट दिखा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कैमरे वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैन है इस कंपोजिशन के अंदर, यहाँ पर आएंगे, ये जो इस तरह से हो रहा है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाएंगे, कैमरा सेलेक्ट करेंगे और 35 mm में यहाँ पर कैमरा ले लेता हूँ। ओके करेंगे, ओके करेंगे और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3D के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ इस लेयर को। स्टार्टिंग के अंदर कैमरा लेके आते हैं, कैमरे की प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पोजीशन और ओरिएंटेशन, तीनों के की फ्रेम एक्टिव कर देंगे यहाँ पर और इन की फ्रेम्स को थोड़ा यहाँ पर आगे तक लेके जाएंगे, इस तरह से यहाँ से लेके जाएंगे। और उससे पहले यहाँ पर जो की फ्रेम है स्टार्टिंग के अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे ही की फ्रेम और बना देता हूँ, इन सभी की फ्रेम्स को और मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। अब क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग के अंदर मैं की फ्रेम जो है वो इसको ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं पेपर का, कुछ इस तरह से करेंगे, 90 डिग्री कर देते हैं यहाँ पर, 90 डिग्री हो गया। और अब कैमरा टूल सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर जाऊंगा यहाँ से और जूम कर देंगे यहाँ पर और नीचे लेके आएंगे, इस तरह से मैं नीचे लेके आ गया। इन सभी की फ्रेम्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से और यहाँ तक लेके आ जाएंगे कंट्रोल वी से। तो देखिए एक बार ये किस तरह से चलेगा, इस तरह से नीचे नाम आएगा लेकिन की फ्रेम हमें यहीं तक रखनी है यहाँ पर इस तरह से, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से आप दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और इन दोनों की फ्रेम्स को एकदम नजदीक में यहाँ पर लेके आएंगे, जिससे क्या होगा तुरंत इस तरह से ये मुड़ के आ जाएगा। और आप चाहते हैं मुड़ के नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, इस कैमरा लेयर को स्प्लिट कर देंगे, एडिट मेन्यू के अंदर जाएंगे, स्प्लिट लेयर, ये यहाँ पर स्प्लिट कर दिया और इस ऊपर वाले के अंदर ये जो की फ्रेम है इनको नजदीक ले आते हैं और इसके अंदर ये की फ्रेम कोई काम के नहीं, डिलीट कर देंगे। तो इसके दो लेयर हो गए, तो पहले ऐसे दिखेगा फिर ऐसे दिखेगा, तो ये हो गया कैमरे का एग्जाम्पल। दूसरा, इसको अंदर हम अगर फोटो लाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो कैमरे वाला एक बार पड़ा रहने देते हैं या फिर इसको डिलीट कर देते हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, फोटो लेके आएंगे यहाँ पर या वीडियो लेके आएंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर। अब जहां जहां पर ये पेपर है वहां वहां पर फोटो आनी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास में एक वीडियो फुटेज लेके आता हूँ, मेरे पास में ये है यहाँ पर वीडियो फुटेज। देखिए इसको क्या करेंगे, कंपोजिशन बनाएंगे, सबसे पहले न्यू कंपोजिशन, साइज ये रख देते हैं, ओके कर देंगे और यहाँ पर मैं ले आता हूँ, इस कंपोजिशन का नाम दे देते हैं कॉम्प टू है इसको, फुटेज, इस तरह से फुटेज माई इस तरह से दे दिया। इस फुटेज को ओपन करेंगे, यहाँ पर ये वीडियो फुटेज मैं इस तरह से लेके आऊंगा, कंट्रोल अल्ट के साथ में एफ दबाएंगे, पूरे फुटेज के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के अंदर मेरे यहाँ पर कुछ यूजर प्रीसेट एक बनाया हुआ है, जो मैं अपना वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ तो वो यहाँ पर दे देता हूँ, जिससे कलर करेक्शन हो जाता है। और ये मैंने यहाँ पर किया क्या है, जस्ट यहाँ पर मेरा यहाँ पर लुमेट्री जो कलर करेक्शन है उसको यूज करके कुछ इस तरह का इफेक्ट बनाया। इसके अंदर मैं कुछ और दे देता हूँ, जैसे ह्यू सिचुएशन है वो नहीं देंगे, कर्व दे देता हूँ, कर्व दे देते हैं, ये कर्व दे दिया और इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो फुटेज थोड़ा सा वाइट हो गया। ओके, अब इसके अंदर से मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, कितना सा पार्ट हम इसके अंदर सिलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग से, ये फुटेज हो गया तैयार। अब जो माई फुटेज है ये यहाँ पर आपको टाइमलाइन के अंदर मिलेगा, फुटेज माई ये। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब तो मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी दबाऊंगा और प्री कंपोजिशन बना दूंगा और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन कर देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं वीडियो फुटेज, कुछ इस तरह से लिख दिया है मैंने नाम। अब यहाँ पर ही मैं क्या करूंगा, वीडियो फुटेज लिख दिया, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाएंगे और एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे, ये हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर बनाया। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ह्यू सेचुरेशन लेके आएंगे, ह्यू सेचुरेशन लेके एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर और इसको क्या करते हैं, यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट, ये हो गया ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसको हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। अब माई फुटेज है और एक वीडियो फुटेज है, दो लेयर आपको नए यहाँ पर नजर आएंगे, फुटेज माई और एक है वीडियो फुटेज, दो है। मेन लेयर के अंदर आ जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ये हमारे जो लेयर थे वो है कट पेपर और इन सब के ऊपर, तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट जो फुटेज है वो देना है, यानी कि माई फुटेज, ये आपको देखिए ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है।
सेलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ में शेडो के ऊपर लाके छोड़ देंगे, फुटेज माई को मेन पेपर पे लाके छोड़ देंगे, और कट पेपर के ऊपर भी अल्ट के साथ में यहाँ पर लाके छोड़ देंगे, तो सब रिप्लेस हो जाएंगे। अब देखिए इस तरह से प्ले करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर जो ये पेपर फुटेज जो है, वीडियो फुटेज जो है, इसको लेके आएंगे और जो टेक्स्ट है इसके ऊपर छोड़ देंगे और इस टेक्स्ट को एक बार हाइड कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आप प्ले करेंगे ये इस तरह से यहाँ पर इस साइड में चला गया, पीछे नीचे से निकल गया कलर फुटेज, तो इस तरह से। और यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया नजर आ रहा है, कट पेपर के प्रॉपर्टी इफेक्ट के अंदर जाएं, सीसी बेस्ड ऑन के अंदर जाएं, और यहाँ पर 85% जो ओपासिटी, इसको कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ताकि पेपर ट्रांसपेरेंट कितना होना चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो 98 हम, या फिर 95 थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, तो पेपर कुछ इस तरह से आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक फुटेज हमने बनाया है, वो कौन सा है, वीडियो फुटेज, इसके अंदर ये वीडियो है। अब आप जहां कहीं भी चाहें इसको होल्ड कर सकते हैं, तो यहां पर मैं इसको होल्ड कर देता हूं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और टाइम के अंदर जाएंगे और यहाँ पर फ्रिज फ्रेम कर देंगे, जिससे क्या होगा पूरे के अंदर ये होल्ड हो जाएगा। तो अब कैसा इफेक्ट आएगा देखिए, मैन के अंदर यहाँ पर जाइए, सिर्फ फोटो नजर आएगी, तो यहाँ पर आप इस तरह से फोटो भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज बतानी रह गई है, इस कंपोजिशन के अंदर जो यहाँ पर जब हम प्ले करते हैं तो ये जो पेपर आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा नेचुरल नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो बैक पेपर है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो ये बैक पेपर है इस लेयर के ऊपर जाइए आप, यहाँ पर जाने के बाद में मास्क के अंदर जाइए और मास्क के अंदर जो हमने यहाँ पर 40 एक्सपेंशन किया था उसको वापस जीरो कर देते हैं, जिससे क्या होगा मास्क यहाँ पर नजदीक आ जाएगा और वो इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से इस तरह से नजदीक से आएगा। एक यहाँ पर पॉइंट हमने और छोड़ दिया है, बाकी सब कंप्लीट कर लिया है, वो ये है कि जो पेपर यहाँ पर मुड़ के आ रहा है वो जो ब्लैक एंड व्हाइट ये जगह है, यहाँ पर हमने क्या नहीं किया है, इस जगह पर हमने पेपर ब्लेंड नहीं किया है, जिससे यहाँ पर नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही नजर आ रही है, यहाँ पर पेपर नजर नहीं आ रहा है, पेपर का लुक टेक्सचर नहीं नजर आ रहा है। तो वो कैसे करेंगे देखिए, इसके अंदर जो हमने यहाँ पर फुटेज ये बनाया, माई फुटेज, इसके अंदर हम यहाँ आते हैं और इसी पेपर को यहाँ पर लेके आ जाएंगे। देखिए ये पेपर हम यहाँ पर लेके आ गए, नीचे ले आते हैं, ये पेपर हम यहाँ पर लेकर के आ गए, पेपर को ऊपर रखते हैं देखिए, और इस पेपर के अंदर मोड के अंदर हम जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ये टेक्सचर जो है पेपर वाला यहाँ पर आपको नजर आएगा, इसके अंदर पेपर का टेक्सचर नजर आएगा, ये फुल क्वालिटी कर देंगे तब आपको दिखेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लास्ट एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो यहाँ पर आपने देख रहे हैं बैक साइड का जो पेपर है यहाँ पर फोटो नहीं आ रही है, इसका कारण ये है कि हम यहाँ पर बैक साइड के अंदर वो रिप्लेस करना भूल गए हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बैक पेपर है इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद में इसे रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ में, माई फुटेज से, तो माई फुटेज को लेके आएंगे, अल्ट के साथ में इसके ऊपर छोड़ेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, उससे क्या होगा अब यहाँ पर बैक साइड के अंदर भी फोटो आएगी। देखिए ये बैक साइड के अंदर भी यहाँ पर इस तरह से फोटो आएगी। ये वीडियो जितना उसके आप प्रैक्टिस करें, बार बार देखें और साथ साथ में प्रैक्टिस करें, 3-4 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे साथ साथ में देखते हुए, तब आपको पूरी तरह से ये आने लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में इसकी आप खूब सारी प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को भी 3-4 बार आप बारी बारी से देखें और साथ साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पूरी तरह से इसको समझ में आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।